रामपुर के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां के ईद पर दो शेर सीतापुर जेल से उनके एहसास का आईना बनकर बाहर आए हैं। एक शेर में वो ये कह रहे हैं कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू भी बहाकर ले जाए मुझे ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ये शेर प्रोफेसर वसीम बरेलवी के हैं, लेकिन आजम खान ने इसमें अपने एहसास को बयान किया है। आदाब द लीडर हिंदी के लिए मैं वसीम अख्तर। आजम खान के इन दो शेरों पर बहस चल रही है, विवेचना हो रही है कि आखिर वो इसमें किसके लिए क्या कहना चाहते हैं, वो किससे कह रहे हैं कि उस छात्र वो उनका साथ छोड़ रहा है, या वो अपने हौसले को अगर वो बयान कर रहे हैं कि उन्हें तूफान भी हिला नहीं सकता तो इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कल रामपुर के लिए, वो हम आपको बताने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। वो खबर ये है कि आजम खां की हाई कोर्ट पर जमानत पर सुनवाई कल होनी है। 3:30 बजे उम्मीद की जा रही है कि आजम खां की जमानत पर बहस के बाद कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है, या ये भी कहा जा रहा है कि सुनवाई पूरी हो जाएगी। जिस तरह से सरकार ने शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें ये माना जा रहा है कि दोनों पक्ष फिर से बहस करेंगे और बहस पूरी हो जाएगी। फिर सिर्फ ये बचेगा कि आजम खां को जमानत मिलेगी या उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी। ऐसे में आजम खां, उनके परिवार और उनके समर्थकों के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही अहम है। समर्थक दुआएं भी मांग रहे हैं कि किसी भी तरह से आजम खां को रिहाई का परवाना मिल जाए, लेकिन क्या होगा ये कोर्ट तय करेगी। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, आजम खान ने जो शेर कहे हैं, बहुत लंबे वक्त के बाद उनकी तरफ से कोई बात जेल से बाहर आई है। उनके ये दोनों शेर अब्दुल्ला आजम ने आजम खान की तरफ से ट्वीट किए हैं और ख़ुद भी दो शेर पढ़े हैं जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं, वो अपनी बेबसी, एक तरह से अब्दुल्ला आजम अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह से वो आजम खां से मिलने के लिए बेताब हैं जेल से बाहर, जेल के अंदर उनके पिता भी कसमसा रहे हैं कि किसी भी तरह से वो जेल से बाहर आएं और फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो। नई सियासत जो करवट ले रही है जेल के अंदर, वो जब बाहर आएंगे तो वो करवट दिखाई देगी कि क्या होने जा रहा है। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बदला है, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई है, उसे विपक्ष में बैठना पड़ा है, और उसके बाद आजम खां के समर्थकों की तरफ से ये आवाज़ उठाई जा रही थी, ये मांग की जा रही थी कि आजम खां को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दे दी जाए। लेकिन अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, ये कुर्सी उन्होंने अपने पास रखी है, तभी से आजम खां और समाजवादी पार्टी के बीच रिश्ते बिखरने की या रिश्ते ख़राब होने की नींव पड़ गई थी। इसका एहसास आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू ने, जो रामपुर का समाजवादी पार्टी का दफ्तर है दारुल आवाम, उस पर एक मीटिंग के दौरान किया था। सख्त अल्फाज में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, और वो निशाना उनका एकदम ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आजम खां हैं। अब जिस तरह से आजम खां की तरफ से ये शेर आए हैं, या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की तरफ से शेयर ट्वीट किए गए हैं, उससे साफ लग रहा है आजम खां और समाजवादी पार्टी के बीच जो नाराज़गी है वो बहुत गहरी हो चुकी है। जिस तरह से राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, शिवपाल सिंह यादव के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी बहुत कुछ इसमें कहा जा चुका है, और AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे मामले पर नज़र रख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आजम खां अगर समाजवादी पार्टी से अलग होंगे तो उनके साथ आ सकते हैं, इसी को सामने रखते हुए वो तमाम कोशिशें भी कर रहे हैं। बहरहाल आजम खां क्या करेंगे ये मोटे तौर पर साफ हो चुका है, बस इंतज़ार इस बात का है कि वो जब जेल से बाहर आएंगे तो विधिवत ऐलान हो जाएगा। माना यही जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है कि आजम खां कोई अपनी पार्टी बना सकते हैं, इसके लिए उनकी कुछ विधायकों से और जो उनके पुराने समर्थक हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे बात भी हो रही है। जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उसमें ये साफ दिख रहा है कि बस जमानत का इंतज़ार है आजम खां की। अब वो जमानत पर कल जो सुनवाई होनी है उस पर क्या होता है, इस पर सभी की नज़रें लगी हुई हैं। द लीडर भी कोशिश करेगा कि 3:30 बजे कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जो शत्रु संपत्ति से जुड़ा मामला है, जिसको लेकर आजम खां पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने शत्रु संपत्ति की ज़मीन अपनी यूनिवर्सिटी में मिला ली थी, धोखाधड़ी की थी, और इसी का मुकदमा उन पर और उनकी पत्नी पर भी दर्ज हुआ था। पत्नी को इसी मामले में ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन आजम खां को अभी ज़मानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला ये गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के बाद करीब 4 महीने से ये फैसला सुरक्षित रखा था। अब एक बार फिर से इस पर सुनवाई हो रही है, सुनवाई का नतीजा
क्या आएगा कल, ये द लीडर हिंदी भी अपने देखने वालों को जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश करेगा।